आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप मैट्रिक पास किए हैं 2019 में या आपका कोई भी 2019 से मैट्रिक पास किया है, तो अगर फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न आया है तो उनको बिहार सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो यहाँ पे अभी पोर्टल पे वेबसाइट पे पूरी तरह कंफर्म नहीं बताया गया है कि फर्स्ट डिवीज़न को कितना मिलेगा, सेकेंड डिवीज़न को कितना मिलेगा, थर्ड डिवीज़न को कितना मिलेगा, क्या थर्ड डिवीज़न को मिलेगा या ना मिलेगा, कोई चीज़ भी इस तरह का कोई भी जानकारी नोटिफिकेशन ई कल्याण की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया, अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसलिए आप उस वेबसाइट पे जाकर सबसे पहले अपना नाम चेक कर लेंगे, आपका नाम होगा तब आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे जो 2015 की मैं बात कर लेता हूँ, 2015 में जो फर्स्ट डिवीज़न को मिलता था स्कॉलरशिप वो 10,000 रुपये मिलता था और सेकेंड को जो मिलता था वो 8,000 मिलता है। हो सकता है उसी तरह मिले या चेंज भी हो सकता है, ये पूरी तरह हम कंफर्म नहीं बता सकते आपको क्योंकि इसका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह आप स्कॉलरशिप के लिए, अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं 2019 में तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। तो हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए सिंपली से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है ekalyan.bihar.nic.in, इस वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे अभी इस वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे अब इस पर क्लिक कीजिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप स्नातक कर चुके हो अगर उसके लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो यहाँ पे लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं पहले से इसके बारे में वीडियो बना दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप 12 पास कर चुके हैं तो यहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ये लेकिन गर्ल के, ओनली लड़की के लिए है। इंटर वाला और स्नातक वाला ये दोनों सिर्फ लड़की को ही स्कॉलरशिप मिलेगा, ओनली गर्ल के लिए है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका 10 पास, मतलब अगर 10 पास हैं अगर आप बॉय या अगर कोई भी हैं बालक बालिका दोनों के लिए तो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए ये 10वीं पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, देख लीजिए इस पे। जैसे अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट ओपन हो जाएगा, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे देख लीजिए, इन सबसे पहले बता दीजिए ये कब तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक कोई डेट नहीं बताया गया कि इतना तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आप जल्द कर लीजिए, कोई समय यहाँ पे नहीं दिया गया, अंतिम डेट नहीं दिया गया। अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है एक बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड IFSC कोड्स ऑफ बैंक ब्रांच, एक बैंक का पासबुक जो स्टूडेंट का नाम से बैंक पासबुक हो वो ले लीजिएगा, जिसपे ब्रांच का डिटेल, IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह अच्छी से लिखी हो। उसके बाद दूसरा जो रिक्वायरमेंट है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और तीसरा आपके पास एक करेक्ट मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर होना चाहिए कॉन्टेक्ट करने के लिए, मोबाइल नंबर फॉर कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे इनकम जो होनी, आपकी फैमिली की जो इनकम होनी चाहिए वो 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए फोन नंबर, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बिलो 1.5 लाख, नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंडीशन है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो स्कॉलरशिप मिलेगा ये जो 2019 में मैट्रिक पास किए हैं उनको ही मिलेगा, वो चाहे तो अपना लिस्ट भी नाम भी चेक कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाइड नेम एंड अकाउंट डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे,
जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से अपना नाम चेक कर पाएंगे कि आपका नाम है या नहीं है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज है वो जितने भी स्कूल है वो स्कूल के लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। जिस स्कूल से आपने मैट्रिक पास किया उस स्कूल का आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये लड़का लड़की दोनों के लिए, बालिका बालक दोनों के लिए, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का पूरा डिटेल आ गया, नाम आ गया, उनके पिता का नाम, उनके मदर का नाम, ठीक है। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे आ गया है। इसमें नाम आप देख लीजिए, आपका नाम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद चलिए हम अगर नाम है तो किस तरह अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको होम डैशबोर्ड पे आ जाना, यहाँ पे आने के लिए उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे या रजिस्ट्रेशन पे जो आपका पंजीकरण संख्या होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो नंबर आपको देना होगा। जो भी आपका नंबर वो नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो, कुछ इस तरह आप यहाँ पे दे सकते हो। स्कूल का कोड देने के बाद आपको डेस्क इस तरह का डेस्क देना है, उसके बाद आपका जो भी हो रजिस्ट्रेशन नंबर वो देना है, उसके फिर इस तरह का एक डेस्क देना है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर का साल हो वो देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ आपको देना, अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा। तो यहाँ से कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में आप इंटर कर लीजिए। तो आप अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कितना मार्क आया था आपको मैट्रिक में वो मार्क आप भी यहाँ पे इंटर करके सर्च कर सकते हो। तो चलिए ये सब करने के बाद यहाँ पे कैप्चर इंटर करेंगे, कैप्चर इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे वेलकम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा और यहाँ पे आपका वेलकम आपका नाम रहेगा जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका लॉगिन किए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे अपडेट बैंक डिटेल, सिर्फ आपको बैंक डिटेल अपडेट करना होगा। तो अपडेट बैंक डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके मदर का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली से इसमें कुछ करना है, सिंपली से यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका देना, मोबाइल नंबर एक देना है और यहाँ पे उनका आधार नंबर देना होगा स्टूडेंट का। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिए, उसके बाद आधार नंबर दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे नाम दे दीजिए जो भी नाम बैंक अकाउंट में है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर दीजिए, उसके बाद ये यहाँ पे आईएफएससी कोड दीजिए, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच डिटेल ऑटोमेटिक, जैसे आप आईएफएससी कोड देंगे तो यहाँ पे ब्रांच का डिटेल जो वो आ जाएगा। तो चलिए ये फटाफट मैं फिलअप करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे मैंने सारा चीज को फिलअप कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे सेव, सेव बटन पे क्लिक करते हैं। चलिए सेव बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव बटन पे क्लिक किए यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, ये स्टूडेंट का डिटेल अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ तो गो टू होम पे क्लिक करना होगा। तो चलिए गो टू होम पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपलोड इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, जिसकी के बीच 400 के बीच कम होने चाहिए। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ नेटवर्क, तो चलिए अपलोड करने के बाद आप सेव पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लीजिए ये अपलोड नहीं लिया। क्यों नहीं अपलोड लिया, क्योंकि ये यहाँ मांग रहा है पीडीएफ फाइल ओनली, मैंने जेपीजी अपलोड किया था इसलिए ये अपलोड नहीं लिया। इसलिए जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ में अपलोड करना होगा। तो चलिए पीडीएफ में अपलोड करते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ, तो चलिए पीडीएफ बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, जेपीजी टू पीडीएफ इस वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना होगा। तो सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर लिया, यहाँ पे देख लीजिए सर्टिफिकेट अपलोड हो जो आप कन्वर्ट भी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉम्बैंड कॉम्बिनेट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो यहाँ पे देख लीजिए मेरा डाउनलोड हो चुका है, ये जेपीजी पीडीएफ में बन के आप डाउनलोड भी हो चुका है, इसे हम ओपन कर लेंगे। तो चलिए आप पीडीएफ मेरा बन चुका, आप
फिर से हम चूज फाइल पे क्लिक करके अब हम पीडीएफ वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेव पे क्लिक, यहाँ आप देख पा रहे हैं अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करें, यहाँ अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोडेड दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ करना है, सिंपली सा होम पेज चले आना है। होम पे आने के लिए यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे, ऊपर में देख पा रहे हैं तो आप होम पे आ जाएंगे। तो मेरा बैंक डिटेल भी अपडेट हो चुका है, इनकम सर्टिफिकेट अपडेट हो चुका है। तो चलिए, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ देख रहे हैं फाइनलिजी एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं, आपके द्वारा दिया गया जानकारी सारा चीज़ को आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए, मेरा सब चीज़ सही है, तो यहाँ पे टिक मार्का लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आप श्योर हैं सबमिट करने के लिए, तो मैं ये श्योर हूँ, इसलिए मेरा ये सब चीज़ सही है, तो मैं यस कर दूंगा। तो देखिए, मैंने यस कर दिया, तो ये मेरा रिसिप्ट हो गया। ये रिसिप्ट आप निकाल के अपने कस्टमर को दे सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो गया। इसी तरह आप भी कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करेंगे हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहे। पूरी तरह कन्फर्म होकर मैं जो वीडियो अपलोड करना हूँ उसको अपलोड करता हूँ, उसको मैं पूरी तरह से अपने और से जांच लेता हूँ, सही तरह से ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जब सही तरह से काम करता तभी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहें।